हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी शाइन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं जेंडर प्रेडिक्शन। और मेरा 8 मंथ कंप्लीट हो चुका है और मैंने 9 मंथ में एंटर कर लिया है। सो दिस इज़ गुड टाइम टू डू दिस वीडियो। तो ये जो वीडियो है जस्ट फॉर फन है, इससे कुछ भी डिसाइड नहीं होता है कि क्या होने वाला है, गर्ल होने वाली है या बॉय होने वाली है। बट सोसाइटी में कुछ मिथ्स हैं, कुछ लोग गैस करते हैं कि गर्ल होगा या बॉय होगा। तो इट जस्ट फॉर फन वे में हम लोग इस वीडियो को लेंगे। और इसके बाद आफ्टर 4 to 5 वीक्स आप लोग चेक कर सकते हो, क्योंकि मेरा डिलीवरी टाइम भी नियरेस्ट है। तो कि ये प्रेडिक्शन सच होते हैं या इट जस्ट फॉर फन ही है। तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो मैंने कुछ पॉइंट नोटिस किए हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम लोग चेक करेंगे। तो इस साइड गर्ल को पॉइंट देंगे और इस साइड हम बॉय को पॉइंट देंगे। तो फर्स्ट मैंने जो पॉइंट दिया है, हाँ, तो फर्स्ट है, अगर आपकी बेबी की जो हार्ट बीट है अल्ट्रासाउंड में, सोनोग्राफी में, अगर 140 से मोर देन आती है तो कहते हैं कि बेबी गर्ल होगी। तो मैंने जब भी अपनी अभी तक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ली है तो उसमें हमेशा 140 के अबव ही आई है। तो दिस पॉइंट गोज टू गर्ल। ओके, सेकेंड है, आपको फूड क्रेविंग क्या होती है, सॉल्टी होती है या स्वीट की होती है। तो मुझे स्टार्टिंग में 3 मंथ्स में तो कोई भी क्रेविंग नहीं हुई, फिर बीच में मुझे 7 और 6 मंथ में मुझे स्वीट की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हुई कि आफ्टर डिनर मुझे लगता था कुछ ना कुछ मुझे मीठा मिल जाए। और लाइक आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सब कुछ खाने का मेरा बहुत मन करता था। बट जब से मैंने 8 मंथ में एंटर किया तो अभी मेरा उतना खाने का मन नहीं होता है। अब मेरा दोनों चीज़ें खाने का मन होता है, सॉल्टी भी और स्वीट भी। तो वैसे मुझे ज़्यादा मन स्वीट का हुआ है 6 मंथ और 7 मंथ में। तो ये पॉइंट भी हम गर्ल को देते हैं। तो गर्ल के हो जाते हैं 2 पॉइंट्स। ओके, इसके बाद मैंने दिया है हेडेक वाला पॉइंट, कि बोलते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में आपको हेडेक हो रहा है तो आपको बेबी बॉय होगा। तो हेडेक वाले में तो मुझे इतना ज़्यादा हेडेक नहीं हुआ है, लेकिन अभी लास्ट मंथ में, 8 मंथ में, मे बी मुझे हल्का सा फीवर था या फिर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, इस वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा हेडेक हुआ है। लेकिन ये कहूँ कि मुझे स्टार्टिंग से अभी तक हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, 1 मंथ में मुझे, 1 मंथ मीन्स 7 मंथ में मुझे थोड़ा सा हेडेक हुआ है। तो दिस पॉइंट गोज टू बॉय। तो बॉय का 1 पॉइंट हुआ एंड गर्ल का 2 पॉइंट। इसके बाद ये डिसाइड करता है कि आप कौन से साइड में सोते हो। लेफ्ट साइड में सोना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या राइट साइड में सोना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप लेफ्ट साइड में सोना पसंद करते हो तो बेबी बॉय होगा, और राइट साइड में सोना पसंद करते हो तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो मुझे ज़्यादातर लेफ़्ट साइड में सोना पसंद है अभी तक, स्टार्टिंग से लेके अभी तक मुझे लेफ़्ट साइड में ही सोना पसंद है। एंड बट अभी वेट ज़्यादा गेन हो गया है एंड टमी भी बहुत ज़्यादा बाहर आ गया है, तो अभी मुझे दोनों साइड ही इक्वल लगता है और ज़्यादातर मुझे स्ट्रेट लेटना ज़्यादा पसंद है। बट उसके बाद ना मुझे थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो मुझे किसी साइड ही लेटना चूज़ करना पड़ता है। सो दिस पॉइंट गोज टू बॉय बिकॉज लेफ्ट साइड में ज़्यादा सोती हूँ। सो 2 पॉइंट गर्ल का हो चुका है एंड 2 पॉइंट बॉय का हो चुका है। ओके, इसके बाद आता है मॉर्निंग सिकनेस का। अगर आपको मॉर्निंग में सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है तो बोलते हैं कि आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर सिकनेस नहीं होती है तो बेबी बॉय होगा।
तो मुझे स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी लेकिन हाँ मुझे हुई है मॉर्निंग सिकनेस। आई मीन जब भी मैं खाना बनाने जाती थी या फिर कोई भी खाना बन रहा है तो मुझे उसकी स्मेल से तुरंत ही वॉमिटिंग आने लगती थी, और ये सब मेरा मॉर्निंग में ही होता था। बट ऐसा नहीं है कि मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी या दिन भर मुझे प्रॉब्लम हुई, ऐसा नहीं है। सिर्फ मॉर्निंग में ही मुझे 1 या 2 टाइम खाली पानी पानी की वॉमिटिंग हो जाती थी, तो मॉर्निंग सिकनेस तो हुई है। तो दिस पॉइंट गोज टू गर्ल। ओके, सो नाउ 3 पॉइंट ऑफ गर्ल एंड 2 पॉइंट ऑफ बॉय। नेक्स्ट आता है कि अगर आपके प्रेगनेंसी में पैर बहुत ज़्यादा वार्म रहते हैं तो आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा कोल्ड रहते हैं, ठंडे रहते हैं, तो बेबी बॉय होगा। सो मेरा जो ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर होता था वो ही पूरा गर्म रहता था, सो चाहे वो फीट हो या हैंड हो, दोनों ही मेरे बहुत गर्म रहे हैं। तो दिस पॉइंट ऑल्सो गोज टू गर्ल। सो गर्ल के होते हैं 4 पॉइंट्स। सो नेक्स्ट है कि अगर आपके जो नेल्स हैं वो फास्टली ग्रो कर रहे हैं तो आपको बेबी बॉय होगा, और अगर स्लोली ग्रो कर रहे हैं या जैसे नॉर्मल थे पहले वैसे ही चल रहा है तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो मेरे जैसे नॉर्मल थे, इतना कोई फास्टली ग्रो नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल है और बहुत ही स्लो ही ग्रो करते हैं, तो दिस पॉइंट ऑल्सो गोज टू गर्ल। सो नाउ गर्ल हैव 5 पॉइंट्स एंड बॉय हैव 2 पॉइंट्स। इसके बाद आता है कि जो आपकी बेली पे जो लाइन होती है वो आपकी नाभि से अगर ऊपर चेस्ट तक, मतलब चेस्ट तक नहीं यहाँ तक है, स्ट्रेट है और सीधी है और आपको विजिबल हो रही है और नाभि के नीचे तक गई हुई है, तो आपको बेबी बॉय होगा। और ओनली अगर आपकी नाभि के ऊपर है या कम विजिबल हो रही है तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो मेरी जो लाइन है जिसको बोलते हैं लीनिया नाइका समथिंग लाइक दिस, सो ये मेरी पूरी विजिबल होती है एंड ये स्ट्रेट लाइन है। So now this point goes to boy, okay? So boy have 3 points and girl have 5 points, okay? इसके बाद आता है कि अगर आपका जो टमी है वो ऊपर की तरफ है तो आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर आपका जो टमी आप लोअर कैरी कर रहे हो तो आपको बेबी बॉय होगा। तो जो भी मुझे देखता है तो वो यही बोलता है कि आपका जो टमी है वो नीचे की तरफ है, एंड मुझे भी लगता है, एंड मैं आपको कुछ पिक भी शो कर देती हूँ, तो यू कैन ऑल्सो गैस एंड कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है। सो मुझे ये लगता है कि मेरा लोअर ही टमी है, तो दिस पॉइंट गोज टू बॉय। ओके, सो नाउ बॉय को, सो बॉय हैव 4 पॉइंट्स एंड गर्ल हैव 5 पॉइंट्स। ओके, और नेक्स्ट आता है कि अगर आपका जो टमी है वो राउंड शेप में है तो आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर पॉइंटेड है और सामने की तरफ ही है ओनली तो आपको बेबी बॉय होगा। तो मुझे ये लगता है कि मेरा जो टमी है वो पॉइंटेड है, सामने की तरफ है, मेरा राउंड शेप में नहीं है। आप भी फोटो देखकर बता सकते हो। तो दिस पॉइंट ऑल्सो गोज टू बॉय। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर प्रेगनेंसी में आपके हस्बैंड ने भी वेट गेन किया है तो आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर वेट गेन नहीं किया है तो आपको बेबी बॉय होगा। तो मैं देख रही हूँ कि मेरे हस्बैंड का वेट थोड़ा सा गेन हुआ है, फेस उनका काफ़ी चबी लगने लगा है, तो दिस पॉइंट ऑल्सो आई एम गिविंग टू गर्ल। ओके, तो 11 पॉइंट हो गए हैं।
नेक्स्ट आता है कि आपके जो हेयर फॉल है वो आपका अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर हेयर फॉल कम हो गया है और आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है तो आपको बेबी बॉय होगा। तो मेरा जो हेयर फॉल है वो बहुत कम हो गया है। पहले मेरा इतना सारा बाल झड़ जाता था, लेकिन जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तो मेरा हेयर फॉल काफ़ी कम हो गया है। सो अभी भी लास्ट पॉइंट है कि अगर आप लेज़ी रहते हो तो आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर आप एक्टिव रहते हो प्रेगनेंसी टाइम में तो आपको बेबी बॉय होगा। तो पहले तो मैं एक्टिव रही हूँ, लेकिन अभी मेरे को लास्ट जो 8 मंथ था तब से थोड़ा मुझे लेजीनेस लग रही है। मतलब मेरा कुछ काम करने का मन नहीं होता है, बट फिर भी करना तो पड़ता ही है। सो अभी मुझे थोड़ा लेजीनेस फील हो रही है, तो दिस पॉइंट गोज़ टू गर्ल। ओके, तो अभी हम काउंट करते हैं कि टोटल किसको कितना पॉइंट मिला है। सो बॉय हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड अभी गर्ल का काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इसमें आप देख सकते हो कि गर्ल को मिला है 7 पॉइंट। मैंने इस तरीके से कुछ नोट किया था। तो इसमें तो विनर हमारी गर्ल्स टीम होती है। सो अकॉर्डिंग द प्रेडिक्शन ज़्यादा पॉइंट तो गर्ल को मिले हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है विद इन 4 वीक एंड 5 वीक्स में आपको पता चल जाएगा, एंड यू कैन मैच विद दिस प्रेडिक्शन कि रियली ये जो मिथ्स हैं इट्स वर्क और नॉट। और वैसे भी कुछ भी हो, मेरा ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो जो भी बेबी होगा चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरी तो बस यही प्रे है कि जो भी हो हेल्थी हो, चाहे गर्ल हो या बॉय हो। सो आई होप आपको ये फन वीडियो पसंद आया होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर माई चैनल लिंक विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I'm not the one who's running out of time.